Hey friends, welcome back to my channel Express and Views. तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट का नाम है सिलिकॉन लिड. ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एंड बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट है, हमारे स्पेशली किचन के लिए बहुत ही अच्छा है. तो मेरी सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड टर्न ऑन द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि ये सिलिकॉन लिड क्या होता है, ये सिलिकॉन लिड का यूज क्या है और सबसे ज्यादा इसके क्या बेनिफिट्स हैं. तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कुछ अलग अलग शेप्स के बॉक्सेस एंड ग्लासेस कटोरी दिखाई दे रही हैं, जिनके ऊपर ये सिलिकॉन का लिड लगा हुआ है. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यू कैन सी राइट, सब में सेम ही लगा है बट साइजेस सबके अलग अलग हैं. ये बॉक्स का साइज अलग है, इसका साइज अलग है, सबका साइज डिफरेंट है. तो सिलिकॉन लिड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस फ्रेंड ये है कि जैसे अगर आपके पास कोई बॉक्स है और जिसका ढक्कन टूट गया है और वो बॉक्स हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो यू कैन यूज दिस सिलिकॉन लिड. मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, ये सिर्फ सिलिकॉन लिड्स हैं, मैंने इनको अलग अलग बॉक्सेस, अलग अलग कटोरी एंड ग्लासेस में लगा के रखा है. मैं आपको यहां दिखा देती हूँ, ये इस तरीके की सिलिकॉन लिड हमें मिलती है 6 अलग अलग साइज में. ओके, जैसे एक साइज ये है, यू कैन सी यहाँ पे ये एक साइज है इसका. ओके, तो ये सभी डिफरेंट साइजेस हैं यहाँ पे, जैसे आप ये देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये वाला 6. टोटल 6 सेट ऑफ 6 हमें ये मिलता है फ्रेंड्स, सिलिकॉन लिड का सेट. तो ये अलग अलग शेप्स में होता है ताकि आप इसको अलग अलग चीज में लगा सकें. तो सिलिकॉन लिड का फ्रेंड्स सबसे ज्यादा यूज मैं आपको बताती हूँ और इसके जो बेनिफिट्स हैं जो हमें किचन में बहुत ज्यादा काम आते हैं, वो ये है कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये ग्लास में पानी है. अब बहुत बार मैं आपको पानी का एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जूस होता है या फिर कर्ड होता है या फिर कोई भी लिक्विड आइटम होता है और अगर हम इसे रखते हैं लाइक फ्रिज में रखते हैं या फिर कहीं भी, तो गिरने का डर होता है. तो आप ये वाले साइज का सिलिकॉन लिड यूज कर सकते हैं एंड इस तरीके से आपको स्ट्रेच करके इसमें लगाना होता है. अब देखिए, अगर मैं इसको स्ट्रेच करके यहाँ पे लगा दे रही हूँ तो ये पैक हो गया है. ये देखिए, अब इससे क्या हो रहा है, पानी बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है नीचे. तो इसका क्या बेनिफिट हुआ फ्रेंड्स आपको, कि आपका जो भी लिक्विड आइटम है वो गिर नहीं रहा है. राइट, सेम एज इट इज, जैसे इस कटोरी में चूड़ा है तो हमारे पास अगर हम प्लेट से ढकते हैं तो ये सील जाता है थोड़े टाइम बाद. अगर आप ये सिलिकॉन लिड यहाँ पे यूज करते हैं तो आपका जो चूड़ा इसके अंदर है वो बिल्कुल भी नहीं सीलेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा एज इट इज, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. इसके अलावा ये बहुत ही इजी टू वॉश है. देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं ये इजीली वॉश भी हो जाता है और ये बहुत ही स्ट्रेचेबल है. आप इसको कितना भी स्ट्रेच कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप कितनी भी बड़ी चीज में इसको लगा सकते हैं. और इसकी खासियत एक ये भी है कि जैसे हम लोग ट्रैवलिंग में जाते हैं, बहुत बार हम ट्रैवल करते हैं और हमें कुछ लिक्विड आइटम ले जाना होता है, जैसे छोटे जिनके बेबीज होते हैं उनको मिल्क वगैरह ले जाना होता है या फिर जूस ले जाना होता है. उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़, हम लोग अचार लेके जाते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं, तो हम अचार कैरी करते हैं. और बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ये सोचते हैं नहीं यार हम अचार कैरी नहीं करते, क्योंकि उसका जो रहता है अचार का वो बह जाता है, जो उसका मसाला होता है वो बह जाता है, इस वजह से हम कैरी नहीं करते. तो उस टाइम फ्रेंड्स आपको ये सिलिकॉन लिड बहुत ही हेल्पफुल होगी कि आप एक कटोरी में या फिर आप एक छोटे से बॉक्स में अपना अचार रखिए और उसके बाद आप इस तरीके से अपने सिलिकॉन लिड से उसको आप कवर कर सकते हैं. और इसके बाद क्या होगा, आपका अचार बिल्कुल भी लीक नहीं होगा. साथ ही साथ आप इसमें कोई भी लिक्विड सब्जी भी ले जा सकते हैं, जैसे जो भी आपकी लिक्विड सब्जी होती है जो हम लोग नहीं ले जा पाते हैं ट्रैवलिंग के टाइम पे, तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं. डेली में भी जब हम लोग जैसे कर्ड हम लोग जमाते हैं और हम लोग फ्रिज में रखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो गिर जाएगा, तो आप कर्ड को भी इससे ढक सकते हैं. ऐसे बहुत सारी चीजें हैं फ्रेंड्स जिसमें आप स्टोर करने के बाद और ये सिलिकॉन लिड का आप यूज कर सकते हैं.
और ये जल्दी खराब होने वाली चीज है नहीं फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल है ये, तो ये खराब बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि सिलिकॉन की बनी हुई है। वॉश भी आसानी से हो जाएगी और इतनी ज्यादा हेल्पफुल है ये, आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपका ना चूड़ा सिलेगा ना ही आपके बिस्किट सिलेंगे, तो आप किसी में भी लगा सकते हैं। और बेनिफिट प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर आपका कोई बॉक्स टूट गया है और उसका ढक्कन, लाइक जो भी बॉक्स है उसका ढक्कन अगर टूट गया है तो हमें क्या लगता है ये बॉक्स वेस्ट हो गया है, तो आप वहां पर ये सिलिकॉन लिड का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस सिलिकॉन लिड से आपका बॉक्स वापस से सही हो जाएगा और आप उसमें कुछ भी सामान रख सकते हैं। तो मैंने आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट्स बता दिए हैं, लाइक आप अचार जो भी आपका बॉक्स है तो अचार का मसाला बहेगा नहीं, आप कोई भी लिक्विड आइटम कैरी कर सकते हैं जैसे कि दही या फिर मिल्क, कुछ भी आप कैरी कर सकते हैं, चूड़ा वगैरह भी अगर आप ले जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे तो जो चिप्स वगैरह स्नैक्स लेते हैं तो हम पन्नी में रखा रहता है तो सील जाता है, तो आप एक बॉक्स में रख के सिलिकॉन लिड लगा सकते हैं और उसके बाद आपका कोई भी आइटम सीलेगा नहीं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात ये कि वो हम लोगों को जो भी जहां से भी आप परचेज कर रहे हैं, आप इसको किसी भी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पे 6 साइजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, डिफरेंट 6 साइजेस आप यहाँ देख सकते हैं हमें मिला हुआ है। तो सबसे अच्छा प्लस पॉइंट तो यही है कि आप 6 डिफरेंट चीजों में इनको यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको किसी भी वेबसाइट से जाकर के खरीद सकते हैं और अगर आप ये मुझसे परचेज करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम एंड फेसबुक की लिंक दी हुई है, आप वहां जाइए उस लिंक में और मुझे आप डीएम करिए, डीएम करने के बाद आपको वहां से मैं आपको प्राइस भी बता दूंगी और ये आपको इजिली डिलीवर भी हो जाएगा। तो इसको जरूर खरीदें फ्रेंड्स, बहुत ही यूजफुल है, जरूर जरूर परचेज करें एंड प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस है ये। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच एंड प्लीज कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू, बाय।